संस्थान द्वारा आयोजित 2024 खेल महोत्सव और अभिनंदन भी करता हूं। इस संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष बहर कुर्ती जी का भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। महासचिव सतपाल राउत जी का भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सचिव राजकुमार जी, कोषाध्यक्ष रमन कुमार जी, खेल प्रभारी अमन कुमार जायसवाल जी, मीडिया प्रभारी दिलीप जी, सक्रिय सदस्य विनय जी, रोहित जी, राष्ट्रीय तैराक कुमारी जी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय हुए तमाम सदस्यों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे साथ आए यहां पर उपस्थित प्रदेश के सह कार्यालय मंत्री आदरणीय अनिल जी का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ यहां पर उपस्थित युवा मोर्चा के खूंटी जिला के प्रभारी और सौभाग्य से आज खूंटी जिला का टीम भी यहां खेल रहा है रजनी। आज इस संस्था के द्वारा और संस्था के अध्यक्ष सुजीत जी के द्वारा सीखने का अवसर मिल रहा है कि हम अपने अपने क्षेत्र में जहां भी रहते हैं इस तरह का कार्यक्रम यदि हम आयोजित करते हैं तो हजारों की हजारों संख्या में हम खिलाड़ी को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म भी दे सकते हैं और उनको आगे बढ़ने का एक अवसर भी दे सकते हैं। और जहां तक मुझे जानकारी है कि सुजीत जी इस काम को लेकर लगातार मेहनत कर रहे हैं। कई अतिथिगण यहाँ पर आए हैं, कई अतिथि जब रांची में जाते हैं तो वो उनसे यदि हम लोगों की मुलाकात होती है। आज सुबह ही हमारे संगठन महामंत्री करमवीर जी से मेरी भेंट हुई तो वो बहुत तारीफ कर रहे थे कि गजब का खेल महोत्सव वहाँ हो रहा है और गजब का मेहनत कर रहा है वो लड़का। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष था तो सुजीत मेरे टीम में थे और हम लोग एक साथ काम करने का अवसर मिला था, तो उसी समय सुजीत को मैं जान लिया था कि इस कार्यक्रम के लिए। तब जाके एक ऐसा कार्यक्रम का रूप और स्वरूप जाके तैयार होता है और हमको लगता है कि आने वाले समय में हम सब कोई जन कल्याण समर्पण संस्था के कहीं ना कहीं आगे पीछे कहीं ना कहीं से हम लोग खड़े रहेंगे और सुजीत के साथ लगातार खड़ा रहने का अवसर मिलेगा, उसको हर तरह का सहयोग करने का अवसर मिलेगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग उनका सहयोग करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खिलाड़ी की पहचान बने और इस संस्था का नाम हो। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, आपने हमारे इस मंच के माध्यम से हमारे सिकंदरी परिक्षेत्र के ऊर्जावान खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहित किया और हमारे संस्थान को भी ऊर्जा देने का काम किया, संस्थान की और इस मंच की ओर से आपको कोटि कोटि इंडोर गेम्स का रिजल्ट संस्थान के पास आ गया है। मेरा आग्रह होगा कि अभी मैं जिस जिस गेम के सफल प्रतिभागियों का नाम बोलूंगा वो लोग मंच के समीप आकर रहेंगे। अब से कुछ ही क्षण के बाद चूंकि फुटबॉल भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पुरस्कार मरियन पार्टी, आप लोग से आग्रह है कि मंच के आसपास रहेंगे आके। अब से कुछ ही क्षणों के बाद आप लोग पुरस्कार और अपना मेडल प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे यहाँ से। बैडमिंटन सब जूनियर गर्ल्स सिंगल, बैडमिंटन सिंगल सब जूनियर गर्ल्स, इसमें उपविजेता है अवंती कुमारी और विजेता है वर्षा कुमारी।
उप विजेता अवंती कुमारी, विजेता वर्षा कुमारी। आपसे भी आग्रह है कि मंच के आसपास डबल टेबल टेनिस जूनियर डबल गर्ल्स, टेबल टेनिस जूनियर गर्ल्स डबल, इसमें उप विजेता है आलिया सोनी एंड पार्टी और विजेता है श्रेया सिंह एंड पार्टी। टेबल टेनिस जूनियर डबल बालिका वर्ग आलिया सोनी एंड पार्टी उप विजेता है और श्रेया सिंह एंड पार्टी विजेता है। टेबल टेनिस सीनियर डबल किया जाएगा, सब बालिका वर्ग की ही है। आ जाइए जिनका भी नाम अभी तक मैंने बोला है वो प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा।